अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आज हम आपको पंज पीर की सैर करवाएंगे। पंज पीर कोहटा से तकरीबन 35 किलोमीटर का सफ़र है। एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे आप आकर फुल एंजॉय करेंगे। हमारा सफ़र शुरू है पंज पीर की तरफ। आज वैसे भी 14 अगस्त है, बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मौसम ठंडा होता जा रहा है। साथ में ये नदी है, बहुत ही साफ पानी है यहाँ पे। रास्ते में एक आबशार भी आती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। अभी हम पॉइंट की तरफ पहुंचने वाले हैं। इधर आप अपनी गाड़ी पार्क करके आपको थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है पंज पीर जो बैठक है वहाँ पे जाने के लिए। उसके बाद हम टॉप पे पहुँच कर, यहाँ पे अभी हम टॉप पे पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा आपको नज़ारा करवा देते हैं। अभी ये मस्जिद है बिल्कुल टॉप पे, साथ में पंज पीर की बैठक है। ये देखें, ये पंज पीर की बैठक। उसके अलावा ये साइड में उत्तराई की तरफ फुल व्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, जहाँ से आप, अभी तो बादल छे हुए हैं, यहाँ से कोहटा शहर कोटली आपको साफ दिखाई देता है। बादल छाए हुए हैं,
बादलों की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इधर भी अभी बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। आप बजाय मरी अंधिया गली जाने के आप इधर का रुख भी कर सकते हैं बर्फबारी का स्नोफॉल देखने के लिए। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके पिकनिक पॉइंट वाली साइड पे अभी हम जा रहे हैं। इस साइड पे आप मोटर बाइक पे आ सकते हैं, क्योंकि इधर गाड़ी नहीं आ सकती, या पैदल आप आ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मोटर बाइक, आज वैसे भी 14 अगस्त है इसलिए ज़्यादातर मोटर बाइक पे ही लोग आए हुए हैं। तो नज़रें ये व्यू देखें आप, ये जगह फुल हाइट पे है। इधर जो बादल हैं वो आपसे बहुत ही नीचे पे हैं। ये नजर, अभी हमारा सफ़र है वापसी का, वहाँ से अभी हम वापस आ रहे हैं। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बार बार पहुँच सकें।